वहां हम कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मंडल खातेगांव ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। भाजपा मंडल अध्यक्ष कचरू पटेल ने बताया कि नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष लेश जोशी के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। पटेल ने बताया कि गत दिनों पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में ममता बनर्जी सरकार वाली तृणमूल कांग्रेस के लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पथराव कर प्राण घातक हमला करके चोटिल किया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शांतिपूर्वक पथ मार्ग से पैदल चलकर पुलिस थाने के सामने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शासन लागू करने की मांग की है। भाजपा के जिला महामंत्री नरेंद्र चौधरी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर आर एन यादव, पूर्व नपा उपाध्यक्ष रामेश्वर यादव, रामनारायण साहू, दीनदयाल रावड़िया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भरत पटेल, बलराम थोरी, बलराम दाउठा, भाजपा मंडल महामंत्री विनोद कुमरे, अशोक यादव, अखिलेश खोजा, सूरज यादव, कैलाश साधु, सांसद प्रतिनिधि शेखर अग्रवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष भविष्य शर्मा, महामंत्री ललित बिश्नोई, दीपक पवार, राम सिंह यादव, उपाध्यक्ष मनोज यादव, मुकेश प्रजापत, पूर्व पार्षद प्रदीप साहू, गोपेश गंगराड़े, राजा पारिक आदि समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के गुंडों की कड़ी भर्त्सना करते हुए अवगत कराया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, राष्ट्रीय महामंत्री पर जो हमला किया है, जिससे समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। सरकार से लोकतंत्र विरोधी सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रही है और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के अध्यक्ष के काफिले के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य कर रही है। जहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, जहाँ पर संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, ऐसी भ्रष्ट सरकार की मुखिया ममता बनर्जी का आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। हमारे मध्य प्रदेश की आन मान शान, हमारे गौरव, राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल में प्रभारी कैलाश जी विजयवर्गीय को, उनके वाहन को भी क्षति आई है और उनके पैर में, उनके हाथ में फ्रैक्चर भी आया है। हम इन सब की कड़ी निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मंडल नगर मंडल के द्वारा, यहाँ पर आज ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि इस प्रकार की लोकतंत्र विरोधी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मंडल एवं नगर और विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे मध्य प्रदेश के गौरव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के जो ऊपर हमला किया गया है, कहीं ना कहीं वो निंदनीय है और आज उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज ममता बनर्जी का पुतला जलाया है और माननीय अमित शाह जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, जो जिन जिन कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पत्थर डाले हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। धन्यवाद।